जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दें सारे बच्चे की सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तेजी से। तो सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दें सारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, गांधी युग समाप्त हो गया है, गांधी जी की कहानी खत्म हो गई है। एक सेकंड, सभी को जय हिंद। काजल, दिव्या, सभी को, दिव्यांश पांडे, मेजर अभिजीत राणा, सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चे शुभम जौहरी, निक्की, सूर्या, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर, फटाफट तेजी से बता दें सारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अब बात करने वाले, हम लोगों का खत्म हो चुका है गांधी जी की कहानी, गांधी जी की बातें। अब हम लोग शुरू करेंगे किसमें, तो आपकी बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की। साउथ इंडिया थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा क्या पूरा घूमेंगे, विजयनगर घूमेंगे, मराठा घूमेंगे, चोल घूमेंगे, पल्लव घूमेंगे, राजकोट घूमेंगे, जहां से सवाल आपका आता है खूब परेशान करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग विजयनगर एम्पायर की, इसके बारे में आप लोग जानोगे, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर की बात कर लेते हैं। तो विजयनगर एम्पायर की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, हम्पी में विजयनगर के भग्ना अवशेष द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा, सर जॉन सोर द्वारा, एंड्रू फ्रेजर द्वारा, जॉन मार्शन द्वारा। बाय हुम वर द विंस ऑफ विजयनगर इन हम्पी ब्रॉट टू लाइट इन 1800 AD। तो किसके द्वारा लाया गया था, कॉलिन मैकेंजी, सर जॉन सोर, एंड्रू फ्रेजर, जॉन मार्शन। 1800 AD में किसके द्वारा विजयनगर की राजधानी हम्पी को प्रकाश में लाया गया था, तो आपका हो जाएगा कौन, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इसे प्रकाश में लाया गया था। अब एक बात कर लेते हैं हम लोग विजयनगर एम्पायर की, कुछ बातें देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। थोड़ी सी जैसे हम लोग पढ़ते हैं वही प्रोसीजर अपना लेते हैं थोड़ा सा दोबारा, ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं ताकि आपकी आंखों पर प्रभाव ना पड़े। विजयनगर एम्पायर, सबसे पहला बात होता है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य को अगर हम बात कर लेते हैं तो विजयनगर साम्राज्य कितने फेज में आता है, तो तीन फेज में आता है। विजयनगर साम्राज्य कितने फेज में आता है, इसके फेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कितने फेज में, तीन फेज में, फेज वन। दूसरा होता है, अरे विजयनगर साम्राज्य में फेज की बात कर लेते हैं, फेज वाइज तो खैर थ्योरी में प्रॉपर पढ़ते हैं, प्रॉपर नॉर्मल पॉइंट आपको बता देते हैं। विजयनगर में टोटल डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, टोटल डायनेस्टी कितनी आती है, तो टोटल डायनेस्टी कितनी होंगी, तो टोटल फोर डायनेस्टी होगी। कौन सा, तो सबसे पहले आते हैं संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। दूसरा होता है कौन सा, सलुआ डायनेस्टी। सलुआ डायनेस्टी तीसरा क्या होता है, तुलुआ डायनेस्टी। तुलुआ डायनेस्टी और चौथा क्या होता है, अरावीडू डायनेस्टी। अरावीडू डायनेस्टी, ठीक है ना। तो संगम डायनेस्टी, सलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी, अरावीडू डायनेस्टी। पहला होता है क्या, संगम वंश। दूसरा होता है क्या, सालू वंश। और तीसरा क्या होता है, तुलु वंश। तीसरा क्या होता है, तुलु वंश। चौथा क्या होता है, अरावीडू डायनेस्टी। ठीक, ये चार वंश होते हैं कौन से, विजयनगर साम्राज्य।
पंगम वंश, सलू वंश, तुलू वंश और कौन सा अरविडू वंश, चार डायनेस्टी आपकी मानी जाती है किसमें, विजयनगर साम्राज्य में। इसमें जो सबसे फेमस डायनेस्टी आपकी मानी जाती है, दो डायनेस्टी बेसिकली आपकी पॉपुलर होती है, ये तुलुवा और दूसरी क्या होती है, संगम डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टी लगभग नाक के बराबर होती है, मेन डायनेस्टी होती है संगम डायनेस्टी। अब विजयनगर साम्राज्य की जब बात हो तो विजयनगर का नाम पहले क्या था ये जान लो सारे लोग, विजयनगर का लोकेशन क्या है, तो विजयनगर का लोकेशन मॉडर्न कर्नाटका में स्थित है, मतलब तमिलनाडु का भी एरिया आएगा थोड़ा सा, लेकिन विजयनगर एम्पायर कहां बनता है, तो कर्नाटक में। पहले इसका नाम था विद्यानगर, क्या नाम था इसका, विद्यानगर, तो विद्यानगर नाम था। विद्यानगर कौन, विद्यानगर नाम रखा गया था। विद्यानगर नाम क्यों रखा गया था, तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, दे आर टू ब्रदर्स, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, विजयनगर एम्पायर, तो सबसे पहले क्या होता है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के लिए जब लोग बात करते थे विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर का नाम किसके रखा गया था, तो इसका नाम विद्यानगर था, ओल्ड नाम इसका क्या होगा, ओल्ड नेम तो विद्यानगर, क्या नाम होगा, विद्यानगर, विद्यानगर। तो विजयनगर का प्रारंभिक नाम विद्यानगर। ठीक, इनके गुरु थे, ये कौन थे भाई, तो इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, तो विजयनगर के फाउंडर माने जाते हैं हरिहर एंड बुक्का। ये दोनों लोग क्या थे, तो भाई थे, दोनों लोग क्या थे, ब्रदर थे, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन दोनों भाइयों ने कौन सा एम्पायर बनाया, तो विजयनगर एम्पायर बनाया। इसी का प्रारंभिक नाम क्या था, विद्यानगर था, क्या नाम था, विद्यानगर। तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने बनाया था। इसका नाम मतलब इन्होंने जो नाम रखा था इसका प्रारंभिक नाम विद्यानगर, विद्यानगर नाम क्यों रखा था, हरिहर बुक्का के गुरु थे, हरिहर बुक्का के गुरु जिनका नाम क्या था, विद्यारण, विद्यारण उनका नाम था, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। क्या नाम था, तो विद्यारण, विद्यारण्य नाम था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। इसका नाम कौन सा, तो विद्यानगर, तो विद्यारण्य नाम था, उसी के नाम पर रखा गया था विद्यारण्य। अब यहां पर एक बात है, चलो ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहां तक की ठीक है, लेकिन इसका एक डायनेस्टी बनती है जिसे कहते हैं संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। सबसे पहली डायनेस्टी कौन बनती है, संगम। तो दो पॉइंट है, विजयनगर विद्यारण्य के नाम पे रखा गया, विद्यारण्य, तो विद्यारण्य के नाम पे, ठीक हाँ, चलिए अब यहां पर देखो संगम डायनेस्टी, संगम कौन थे, ते फादर थे हरिहर और बुक्का के पिता थे, इन्हीं के नाम पर डायनेस्टी बनती है। और फिर से देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में चार डायनेस्टी, हाँ बिल्कुल सभी के लिए है दीपक जी, आराम से पढ़े मस्त होकर के, इतिहास सभी में आता है। चार डायनेस्टी बनती है, संगम, सलुआ, तलुआ, अरविडू। तो संगम नाम इन्होंने इनके पिता के नाम पर रखा गया था, पिता इनके जो थे संगम, हरिहर बुक्का के पिता, फिर से बता रहा हूं, हरिहर और बुक्का के पिता थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था इसका नाम संगम। हरिहर और बुक्का के पिता थे, हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले जब इन्होंने विद्रोह किया था इन्हें पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद इन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया था, इस्लाम कबूल करवा दिया था, बाद में इनके गुरु विद्यारण्य ने हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर, तो इसी से इनका नाम पड़ गया क्या, विद्यारण्य। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं, बाकी पॉइंट्स आगे बढ़ते चलते हैं, जैसे जैसे मिलता जाएगा क्वेश्चन उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो वर्तमान में अगर बात कर लें कि इसे फॉरगेटन एम्पायर कहते हैं, भूला हुआ साम्राज्य कहते हैं, किसने कहा था, रॉबर्ट स्वेल ने इसे नाम दिया था। तो हम्पी इनकी राजधानी थी, विजयनगर राजधानी की, ये हम्पी क्या थी, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, हम्पी क्या थी, तो कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मानी जाती है क्या, हम्पी।
हम्पी वॉज दी। हाँ शुभम नोट कर लो, जो आपको समझ में आए नोट करते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, हम्पी विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी। इसकी खोज करते हैं कौन, कॉलिन मैकन, और कहां पर है वर्तमान में, तो कर्नाटक, कर्नाटक। कौन से रिवर पर है, तो तुंगभद्रा नदी का नाम सुनोगे, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। तो कॉलिन मैकेंजी ने इसे 1800 में इसे डिस्कवर किया था, लाइट लाया था, प्रकाश में लाया था, कि भाई देखो ये देखने के बाद लगता है कि कोई ना कोई साम्राज्य आ रहा होगा, और यह साम्राज्य इतना बढ़िया बना होगा कि शायद भारत में कोई क्षेत्र ऐसा रहा हो जो विजयनगर साम्राज्य का मुकाबला कर पाए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला विजयनगर एम्पायर के बारे में सारी बातें आ जाएंगी यहाँ पर, कुछ विथ रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 14th सेंचुरी, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विचार करना, इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। यह उत्तर में मतलब नॉर्थ में कृष्णा नदी से भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण तक फैला हुआ था। एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर ऑफ कृष्णा नॉर्थ साउथ ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इट्स कैपिटल वॉज हम्पी, हम्पी इनकी राजधानी थी। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, विजयनगर एम्पायर की अगर बात करोगे तो यहां पर एक नदी आती है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, कृष्णा रिवर, कौन सा, कृष्णा, और यहां पर है कौन सा, तुंगभद्रा नदी, तो कृष्णा की सब सहायक नदी है। तो इनके बीच में जो होता है, इनके बीच में कौन सा एम्पायर था, तो विजयनगर, लॉ नीचे कर दीजिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, इनके बीच में होता था कौन, विजयनगर एम्पायर, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। तो पहला वाला आपका ठीक है, पहला तो 14th सेंचुरी, तो 1336 में इसके स्थापना होता है जो कि 14th सेंचुरी माना जाता है, तो पहला आपका तो ठीक है। दूसरा आपका कृष्णा नदी के साउथ में स्थित है, तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है हम्पी इसकी कैपिटल थी, यहां पर तो डी ऑप्शन आपका बन रहा, मतलब करेक्ट पूछ रहा ना, तो सारे करेक्ट है, सारे करेक्ट है, श्रद्धा ध्यान से ऑप्शन पढ़ो बेटा, तीनों सही है। ठीक है, हाँ निकी सिवाय गुजर निबली सॉरी बबली अरु अनिरुद्ध पांडे वेरी गुड काजल वेरी गुड, सभी का आंसर बढ़िया है, पंकज राव, हाँ जय हिंद सभी को प्यारे बच्चों। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे, व्हाट वॉज द प्लेटफॉर्म यूज बाई द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर फॉर रिलीजियस पर्पज, कौन, तो धार्मिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो मंच था, चबूतरा था, उसे क्या कहते थे, महानवमी टिब्बा, लोटस महल, हजारा राम, विरूपाक्ष, तो क्या प्रयोग करते थे। देखो एक बात का हम बताते हैं, विजयनगर एम्पायर में तो एक त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता था वहां पर, और वो त्योहार होता था, वो फेस्टिवल कहलाता था नवरात्रि का फेस्टिवल, कौन सा, नवरात्रि का। तो विजयनगर एम्पायर में अगर बात करोगे तो नवरात्रि का जो त्योहार था, नवरात्रि फेस्टिवल, नवरात्रि का जो त्योहार था वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता, नवरात्रि त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता, और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चबूतरा यूज किया जाता था वो कहलाता था महानवमी टिब्बा, महानवमी टिब्बा कहलाता था, जो त्योहार मनाया जाता था वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, उसे कहते थे महानवमी टिब्बा। 9 दिन का नवरात्रि होता था, शक्ति के रूप में दुर्गा की काली की पूजा होती थी, और बहुत धूमधाम से, तेनालीरामा रामा कृष्णा का नाम सुना ही होगा सभी ने, काली का बहुत बड़ा भक्त था, माँ का भक्त माना जाता था, तो हाँ रामनवमी त्योहार, बिल्कुल शिवाजी, रामनवमी त्योहार मनाया जाता है, महानवमी टिब्बा, बहुत बढ़िया आंसर मंगल चौहान जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह, हजारा राम अलग है, विरूपाक्ष इनके देवता थे, विरूपाक्ष इनके कौन थे, इनके गॉड माने जाते थे विजयनगर एम्पायर के। संगम वंश के किस शासक को प्रौण देवराज या इम्माडी देवराज के नाम से जाना जाता है, कॉल्ड प्रौण देवराज या इम्माडी देवराज, तो हरिहर प्रथम देवराय, फर्स्ट देवराज, सेकंड या मल्लिका अर्जुन, तो प्रौण देवराज, इम्माडी देवराज, इस तरह के नाम किस व्यक्ति को दिए जाते थे, बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक चलिए, प्रौण देवराय, इम्माडी देवराय के नाम से कौन फेमस थे, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, जल्दी से बता दे सारे बच्चे।
प्रौण देवराय या अनमाड़ी देवराय के नाम से कौन थे? हाँ वर्षा पांडे, बहुत बढ़िया बच्चे, सभी के आंसर अति उत्तम। चलिए सारे बच्चे कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी। देखो भाई एक ऑप्शन देख करके आप लोग आंसर मार्क कर रहे हो। प्रौण देवराय तो इन्हें देवराय प्रथम को कहते हैं, लेकिन इमाडी देवराय नहीं कहते। इमाडी देवराय जो होता है वो मल्लिका अर्जुन को कहते हैं। तो प्रौण देवरा इमाडी देवरा दोनों को मिलाओगे तो आपको ऑप्शन बन जाएगा मल्लिका अर्जुन, ठीक है ना। हाँ दोनों मिलाओगे, जैसे यहां पर देखो प्रौण देवराय तो आपका ये हो जाता है हरिहर पर देवराय प्रथम, प्रौण देवराय तो आपका देवराय प्रथम हो जाता है। लेकिन जब इमाडी की बात आएगी तो दोनों उपाधि लेता है, प्रौण देवराय और इमाडी देवराय दोनों की उपाधि जो लेता है। हाँ बिल्कुल उसे ही मानते हैं, लेकिन इमाडी इसमें ऐड है बेटा, तो इमाडी देवराय भी है ना, तो इमाडी देवराय जिसे कहते हैं मल्लिका अर्जुन आपका हो जाता है जो इमाडी देवराय की भी उपाधि लेते हैं। ये तो प्रौण देवराय देवराय प्रथम ले गया, इमाडी देवराय जो हो जाता है आपका मल्लिका अर्जुन, ठीक है। चलिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन बार बार पूछा जाता, अमर नायक, अमर नायक क्या होता है विजयनगर साम्राज्य में? अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सिस्टम वाज पॉलिटिकली इन्वेंशन बाय विजयनगर, मतलब अमर नायक का पद विजयनगर में एक नया पद माना जाता है, उसी को कहते हैं इन्वेंशन, मतलब एक नया पद माना जाता है, ठीक। हाँ कोई बात नहीं, देवराय प्रथम आप लोगों ने देख करके मार्क किया होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया था आप लोगों का आंसर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेल ट्राई। उसमें लास्ट वाला भी आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए ठीक, अब आते हैं पहला पॉइंट आता है, विजयनगर की राजधानी एक खोज थी। द अमर नायक सिस्टम वॉज पॉलिटिकल इन्वेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये ठीक है, तो ये सत्य है। अमर नायक, अमर नायक के पद वंशानुगत होते थे, इनका स्थानांतरण नहीं किया जाता। द पोस्ट ऑफ इमोर्टल हीरोज वर हेरिडिटरी एंड, मतलब इमोर्टल हीरोज नहीं बल्कि यहां पर अमर नायक कर दो, द पोस्ट ऑफ अमर नायक, अमर नायक का, ठीक है इमोर्टल नहीं, अमर नायक का, तो द पोस्ट ऑफ अमर नायक वॉज हेरिडिटरी, मतलब वंशानुगत था, कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, इन्हें ट्रांसफर नहीं करते, गलत बात, इनका पद वंशानुगत नहीं किया जा सकता, नहीं था बल्कि ट्रांसफरेबल था, तो इसे बाहर कर दीजिए। अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के गुण विद्यमान थे, अमर नायक सिस्टम एट द क्वालिटी ऑफ एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अगर आपको दिल्ली सल्तनत पता है तो आप मार्क कर लोगे, नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, ज्योति कह रहे हैं सी, मिस्टर जाट जी कह रहे हैं 134, सुधा कह रही है सी, समायरा सी, बबली 134, खुशी, आकाश, सभी बच्चे आकाश ऑल पे जा रहे हैं, आकाश ऑल नहीं है बेटा, निक्की 134, सौम्या पटेल, हेलो हेलो बेटा। चलिए सर सेकंड रो होंगे, एके जी कह रहे हैं सेकंड रो जन है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई प्यारे बच्चों, तो एक तो आपका गलत हो गया भाई, ये तो आपका गलत हो गया, एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में किसने स्टार्ट किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया, पूरा डिटेल में मैंने आपको यही समझाया है, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, इसका हेड जो होता था वो कहलाता था इक्तेदार, वो कहलाता था क्या इक्तेदार, उसी को कहते हैं मुक्ता, या उसी को कहते हैं क्या अव्वाली, उसी को कहते हैं मुक्ता या उसी को कहते हैं क्या अव्वाली। तो ये बिल्कुल जैसे एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जब मर्जी उन्हें ट्रांसफर कर दो, जब को कर दो, डिटेरी नहीं थी, ठीक। हाँ इक्ता सिस्टम, इक्ता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, एक काम करने वाले एक इक्तेदार, एक जमीन का टुकड़ा, जैसे सल्तनत काल में कोई सूबेदार मनसबदार जैसे होता ना, जमींदार जैसे आज कहते हैं, जमींदार पे जमीन का उनका मालिकाना हक होता है, इक्तेदारी में नहीं था। तो ब्रिटिश सल्तान सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी काम करने वाले वर्कर्स थे, मजदूर, मतलब मजदूर का मतलब हो गया सामंत सूबेदार, छोटे छोटे थे, कमांडर थे, उन्हें एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता, कहा जाता भाई इस क्षेत्र में आप सारा चीज देखोगे, सारे काम करोगे, और उनके बदले उन्हें जमीन का टुकड़ा दे, तो उसे कहते हैं इक्तेदार। इक्ता प्रणाली जो होती है विजयनगर, मतलब ऐसे कह लीजिए अमरनायक प्रणाली के समान ही थी, इसमें भी जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता, ये भी ठीक है। कृष्णदेव राय कॉल्ड हिमसेल्फ द फाउंडर ऑफ यमुना किंगडम, मतलब स्वयं को कहते थे यवन राज की स्थापना करने वाला का, ये बिल्कुल सत्य बात है, इन्होंने कहा यवन राज की स्थापना हमने किया, मतलब बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी,
एक तीन और चार आपकी दोनों सही है, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला, ओके एलिमिनेशन प्रोसेस लगा करके आंसर मार किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए एक तीन और चार, निकोलो कॉन्टी बार बार पूछा जाता है, टूवर्ड्स निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी आता है विजयनगर की, पूरे विजयनगर का जितना भी फेस्टिवल होता है, विजयनगर के किसमें है तो फेस्टिवल के बारे में बताता है, त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल में आप सभी को पता है नवरात्रि, और क्या तो स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताता है, दास प्रथा के बारे में बताता है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, विजयनगर का आता है पहला पॉइंट, तो यदि कोई व्यक्ति विजयनगर में ऋण ले रखा है और ऋण अपने मालिक को अदा नहीं कर पा रहा तो उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था, अगर ऋण नहीं दे पा रहा, मतलब लोन ले रखा और लोन पे नहीं कर पा रहा तो उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाता था, वही मतलब ये निकोलो कॉन्टी बताता है, ठीक। विजयनगर में आता है एक इटालियन ट्रैवलर माना जाता है, वो विजिटेड विजयनगर एम्पायर, इटली का एक यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता, तो इसका सिक्स का आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सिक्स का बी, ठीक है, तो सिक्स का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात कर ले, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हिज तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात था, नीचे दिए गए कोटों में से सही आंसर चुनिए, कंबन कुट्टन नन्नन टिक्कन, तो तेलुगु, कंबन का रामायण है महाभारत नहीं, कंबन का रामायण फेमस है महाभारत नहीं, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताएं सारे बच्चे, हाँ जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बताएं। ए 100%, अच्छा पिछले वाले का, इसका तो तीन होगा, तीन और चार, कंबन की रामायण, यहां पे पूछ रहा है क्या महाभारत, तो महाभारत की बात कर रहा हूं, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर, बहुत बढ़िया। तो कंबन का रामायण भी था, तमिल रामायण लिखते, कुट्टन भी उसी तरह से, तो नन्नन और टिक्कन, नन्नन और टिक्कन जो ऐसे कह लीजिए तेलुगु, मतलब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये लोग भी हैं। अगला पॉइंट की तरफ, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आए, इन विच रूलर इन डिड द पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पायस केम टू विजयनगर एम्पायर, देवराज द्वितीय के समय, बुक्का के समय, रामदेव अराविडु के समय, कृष्ण देव राया के समय, मतलब ऐसे कह लीजिए कौन सा पुर्तगाली यात्री डोमिंगो, मतलब डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली यात्री था, डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली यात्री था वो किसके समय में भारत आया था, हाँ शुभम जौहरी क्या करोगे भाई, उन लोगों के नाम ही ऐसे होते हैं, भारत के नाम थोड़ी है कि भाई आसान आसान नाम देते, तो इसीलिए तो कहा जाता है इतिहास पढ़ रहे हो बेटा, फिर भी देखो बच्चे हमारे कितने बढ़िया आंसर मार कर रहे हैं, साक्षी को देखो, अमन बहुत बढ़िया, एक ही अनिरुद्ध, निक्की, शुभम पटेल बहुत बढ़िया, लाल जी, सुधा, सभी बच्चे, के पी सौम्या पटेल बहुत बढ़िया, अति उत्तम, पंकज राव वेरी गुड, सभी के आंसर आकाश वेरी गुड, अर्चना मंगल मानसिंह बहुत बढ़िया, सभी के आंसर कितना बेहतरीन जानदार शानदार, कृष्ण देवरा कितना बढ़िया आंसर, दिल खुश हो जाता है, कितना बढ़िया आंसर आप लोग दे दो, अनु यादव बहुत बढ़िया, कृष्ण देव राय को कहते हैं क्या, इन्हीं को, इनके कई सारे जैसे आंध्र भोज के नाम से फेमस है, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये कई सारे, यवन स्थापनाचार, यवन स्थापनाचार, ये सारी उपाधियां किसकी थी, कृष्णदेव राय कहते हैं, इनके टाइम को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ विजयनगर एम्पायर,
विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का स्वर्ण काल इनके काल को कहते हैं, क्योंकि इनके समय विजयनगर अपनी बुलंदी पर पहुंचा कृष्णदेव राय जी के समय में। तो डोमिंगो पायस जो पुर्तगाल का यात्री था, कृष्णदेव राय जी के दरबार में आता है और इनके दरबार नवरात्रि के त्योहार विरूपाक्ष की पूजा, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, इन सभी बातों का डिटेल में डिस्कस करता कौन, डोमिंगो पायस। और विजयनगर के बारे में इतनी तारीफ करता है, खूब तारीफ करता है, ठीक काफी तारीफ करता है कौन, डोमिंगो पायस जो पुर्तगाल का। हाँ, तो ये हो जाता है आपका कौन, कृष्णदेव राय जी, जो इनके दरबार में आता है कौन, डोमिंगो पायस जो पुर्तगाल का नाम यात्री था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कृष्णदेव राय जी बड़े अच्छे व्यक्ति दयालु थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कराधान व्यवस्था जो लागू की थी संबंधित है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय, द रूलर ऑफ विजयनगर, विजयनगर के शासक, द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सिंपल द लॉजिक है कि भूमि की क्वालिटी होगी तभी तो टैक्स डिसाइड होगा। तो कृष्णदेव राय कहते थे जो क्वालिटी जिस भूमि पे है टैक्स उसी के हिसाब से लागू किया जाए। मतलब मान लीजिए कहीं पर उत्पादन बहुत कम हो रहा, मतलब निम्न कैटेगरी की भूमि है, वहां पर ज्यादा उत्पादन हो नहीं सकता, कम उत्पादकता वाली जमीन है, और वहां पर अगर खूब ज्यादा पैसा कर लगा दिया जाएगा तो किसान कैसे खेती करेगा। तो कृष्णदेव राय जी कहते ऐसे भूमि पर जितना संभव हो सिर्फ उतना ही शुल्क लगाया जाए, मतलब अत्यधिक शुल्क ना आरोपित किया जाए। तो भूमि की क्वालिटी के आधार पर, ठीक, भूमि की क्वालिटी के आधार पर कर को डिसाइड किया जाएगा। ये स्टेटमेंट था किसका, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय जी का, कि क्वालिटी ऑफ लैंड के आधार पर टैक्स डिवाइड होगा, द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, जैसे जमीन होगी वैसे ही कर डिसाइड किया जाएगा। सेकंड थिंग, प्राइवेट ओनर ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल टैक्स, मतलब कारखानों के निजी स्वामी औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो वो था आपका कर छूट, ठीक, सारे सत्य वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायनो द कमेंटेटर ऑफ वैदिक टेस्ट वॉज पेट्रोनाइज बाई, वैदिक ग्रंथों का लेखक सायन किसके दरबार में रहता था, परमार किंग, सातवाहन किंग, विजयनगर किंग, वाकाटक किंग। तो वेदों का लेखक जो माना जाता है टीकाकार, टीका वेदों पर जैसे कई सारे छोटे छोटे निबंध लिखे जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, उन सबके, ठीक, कौन माने जाते हैं, तो विजयनगर के दरबार के, विजयनगर के राजाओं के दरबार में रहते थे कौन, सायन रहते, ठीक, सायन वेदों का। आंध्र भोज, बस एक सेकंड में आंसर बताओ, अभी हमने बताया आंध्र भोज किसी करते, कृष्णदेव राय, बुक्का, हरियर या राजेंद्र शुक्ल, एक सेकंड के अंदर आंसर बताओ, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, पिछले का सी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर, बेहतरीन, जानदार, शानदार, लाजवाब। चलिए इसका आंसर बताएं, इसका आंसर सभी का सेम होना चाहिए। विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर पिछला का बहुत बढ़िया। अर्चना, अनु यादव, बहुत बढ़िया ए आंसर, काजल ए आंसर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर काजल। मंगल 100% गुरुजी, वेरी गुड, ए को लॉक कर दिया जाए, बहुत बढ़िया। सुनील, लाल जी, ज्योति, मान सिंह, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। तृप्ति, अरे प्रगति, सॉरी प्रगति, कुलदीप, बबली, सभी के आंसर बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर मानसिंह, सभी का आंसर कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, वेरी गुड। तो सभी के आंसर क्या हो जाएंगे, ए आंसर हो जाएगा, 11 का ए कृष्णदेव राय, ठीक है, 11 का ए कृष्णदेव राय हो जाएंगे, ठीक है। सर 12 बजे से क्लास नहीं बेटा, 12 बजे से क्लास नहीं हो पाएगी, आपकी क्लास का टाइम 2 से 3 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 12 बजे से 1:30 बजे तक मेरी क्लास जो होती है ना वो ISPCS पर होती है, ISPCS पे होती है, तो आपका क्लास यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है ना, ISPCS एग्जाम बाय एग्जाम पर, ठीक है। चलिए
तो कृष्ण देवरा आंध्र भोज, अभिनव भोज आंध्र पितामह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो बताओ भाई ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नॉट करेक्ट सॉरी नॉट करेक्ट अभी तो सारा कहानी बदल जाता। विजयनगर एम्पायर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चल अब इसका आंसर आप लोग बताओ ध्यान से बताओ, इसी के क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आंसर आपको मिल जाएगा। बड़ा प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से मिल जाएगा। चलो ध्यान से पढ़ो और आंसर दे दो। चलो अब देखो सबके आंसर आने शुरू हो गए। चलिए सभी के आंसर आने शुरू हो गए। 12 का ए, चलो एक सही है। ये तो सही है भाई, ये कैसे कह रहे हो आप? अरे देखो ना ये क्रम आपको बताया ना पहले, इसीलिए कहता हूं समय से रहा करो, लेट हो गए तो मामला खराब हो जाएगा। देखो सबसे पहले संगम वंश, संगम के बाद क्या सुलु वंश, सुलु के बाद तुलु, तुलु के बाद क्या अरावीडु, तो तुलु वंश के बाद अरावीडु वंश बनता, सिंपल सा लॉजिक है, तो वही तो कह रहा है। तुलु वंश के बाद अरावीडु वंश, तो वही तो सवाल कह रहा है कि द अरावीडु डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश आफ्टर द तुलुवा डायनेस्टी, तो तुलु वंश के बाद पश्चात अरावीडु वंश बनता है, तो आपका सही है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। सिर्फ पूछ रहा नॉट करेक्ट, तो पहला तो आप लोगों का सही है, पहला कैसे गलत, पहला तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रांची तांगड़ी के युद्ध के पश्चात विजयनगर की पराजय हुई, विजयनगर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ रांची तांगड़ी। रांची तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ और उसमें विजयनगर साम्राज्य को मुस्लिम डायनेस्टी के जितने भी राजा लोग थे, ठीक जितने भी नवाब मतलब सुल्तान लोग थे, उसे मिल करके हरा देते हैं। रांची तांगड़ी बन्नी हट्टी, अभी आएगा सवाल जरूर आएगा क्योंकि उनका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये भी आपका ठीक है। विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अशुपति और राय को नरपति कहकर संबोधित किया गया, ये भी ठीक है। तो भाई गलत क्या है? कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदा की रचना, ठीक है भाई, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदा की रचना की, ठीक है, तमिल भाषा में, ये गड़बड़ है, तमिल लैंग्वेज में नहीं बल्कि किसमें, तो संस्कृत भाषा में, बल्कि किसमें, तो संस्कृत लैंग्वेज में। तमिल में नहीं बल्कि किसमें, संस्कृत में, ठीक है, तो संस्कृत भाषा में किया था। तो फिर सवाल आता है कि अरे सॉरी 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 तमिल में नहीं, तमिल में सॉरी 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 बाई मिस्टेक कर दिया हमने, मुक्त मान लेता तमिल में नहीं, तेलुगु में बाई मिस्टेक हमने कर दिया। संस्कृत में क्या करते हैं, जामवती कल्याण, और एक संस्कृत में लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं जामवती कल्याण, जामवती कल्याण, ये इनका संस्कृत वाली किताब। हाँ डी डी गलत का, तेलुगु तेलुगु डी, हाँ डी सही है, बिल्कुल डी 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 सही है, बिल्कुल बिल्कुल डी इसका आंसर होगा, ठीक है। तमिल नहीं तेलुगु, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार को, ठीक है। चलिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा से युद्ध किस राजा से लड़ा था, तो गोलकुंडा, विच ऑफ द विजयनगर किंग कृष्णदेव राय फाइट द गोलकुंडा, गोलकुंडा और कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह, गजपति। तो देखो गजपति ये उड़ीसा वाले हैं तो इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इस्माइल आदिल शाह, तो आदिल शाह थोड़ा सा आदिल शाह कहां के, तो बीजापुर वाले आदिल शाह हो जाते हैं। तो गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के ऐबक दिल्ली सल्तनत का हो जाता है, ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए, और इस्माइल आदिल खान ये बीजापुर वाला हो जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एट जाइंट इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, मतलब अष्ट दिग्गज
एट जायंट इसे कहते हैं, एट स्कॉलर कह लीजिए, मतलब आठ विद्वान, एट स्कॉलर जिसे कहते हैं। तो ये किसके दरबार के विद्वान थे, कौन माने जाते हैं, एट मिनिस्टर, एट तेलुगु पोइट, एट ग्रेट जनरल, एट काउंसलर, तो क्या माने जाते हैं, आठ। तो एट क्या माने जाते हैं, ठीक बताए क्या होगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है, 14th का बी, साक्षी कह रही 14 का बी, वेरी गुड बच्चे लाल जी, बी की तरफ, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। अर्चना वर्षा, अर्चना कौशिक, वर्षा पांडे, वेरी गुड बच्चे, साक्षी बबली, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, सभी का, शिवान सिंह वेरी गुड, निकी सौम्या, सभी के बहुत बढ़िया आंसर, सारे बच्चों के आंसर वेरी गुड, अति उत्तम, सूर्या विशाल, बहुत बढ़िया बच्चों, केपी सभी का आंसर भी। तेलुगु के आठ पोएट, एट ग्रेट स्कॉलर ऑफ तेलुगु, इसमें अगर बात करोगे तो इनके थे मेन पर्सन अल्लसानी, अल्लसानी अल्लसानी पेडन्ना, अल्लसानी पेडन्ना थे इनके, अल्लसानी पेडन्ना, और कौन, तो तेनाली रामा रामा कृष्ण, रामा कृष्ण, तेनाली रामा रामा कृष्ण, तेनाली रामा रामा कृष्ण, ठीक है, तेनाली रामा रामा कृष्ण, इन्हें कहते हैं बीरबल ऑफ साउथ इंडिया, इन्हें कहते हैं क्या, बीरबल ऑफ साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत का बीरबल, दक्षिण भारत का बीरबल कहते हैं किसको, तेनाली रामा रामकृष्ण को, साउथ इंडिया का बीरबल कहते हैं, दक्षिण भारत का बीरबल कहते हैं किसको, तेनाली रामा रामकृष्ण को, ठीक है, तो दक्षिण भारत का बीरबल कहते हैं। तेलुगु के आठ कवि जो होते हैं अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है, अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है, तो 14th का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पांडुरंग महात्म्य की रचना भी इन्होंने की थी, पांडुरंग महात्मा की रचना तेनाली रामा रामकृष्ण ने की थी, कौन सी, तो पांडुरंग महात्मा, पांडुरंग महात्मा की रचना तो तेलुगु के आठ ग्रेट स्कॉलर माने जाते हैं तेनाली रामा रामकृष्ण सिंह, ठीक है, तो ये कहलाते अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या आएगा भाई, विद रेफरेंस टू विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो करते हैं, द किंग कॉल्ड हिमसेल्फ रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ विरूपाक्ष, राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे, रूलर से यूज टू यूज हिंदू हिंदू सूत्राना एज द इंडिकेटर ऑफ द डीप रिलेशन विद द डाइटीज, शासक देवता से गहन संबंधों के संकेतक के रूप में वृद्ध मतलब उपाधि हिंदू सूत्रान का प्रयोग करते थे, मतलब एक उपाधि लेते थे हिंदू सूत्रान का। तेनाली रामा रामकृष्ण बीरबल कहलाते थे, बीरबल दक्षिण भारत के बीरबल कहलाते थे, जो उन्हें को कहते थे तेनाली रामा रामकृष्ण, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, बस एक सेकंड आप लोग लिखें,
ठीक, चलिए सभी के आंसर आने शुरू हो गए। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, सारे बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं, सारे बच्चे सी 100% गुरु जी। सी में क्या है भाई, राजा स्वयं को विपाश की उपाधि धारण करने वाला कहते थे, शासक देवता से गहन संबंध के संकेतक के रूप में विरुद्ध सूत्रांग कहते थे, तो बिल्कुल सत्य वचन है सी, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉल्ड देवदासी इन विजयनगर एम्पायर। तो देवदासी विजयनगर एम्पायर में क्या कहलाती थी, तो ऐसी महिलाएं देवदासी क्या कहलाती थी, इसका आंसर दें सारे बच्चे। देवदासी कौन कहलाती थी, देवदासी कौन कहलाती थी, तो ऐसी वुमेन जो मंदिरों में रहती थी उन्हें देवदासी कहते थे। विजयनगर की ऐसी महिलाएं जो मंदिरों में रहती थी उन्हें देवदासी कहते थे। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राय गोपुर यहाँ के राजकीय प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रिंस विजयनगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राय गोपुरम वॉज द रॉयल एंट्रेंस हियर। राय गोपुरम यहाँ पे राजकीय प्रवेश द्वार कहलाता था, तो यस बिल्कुल कहलाता था। द विरूपाक्ष टेम्पल फर्दर इनलार्ज आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। विरूपाक्ष मंदिर में मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और अधिक बड़ा किया गया, तो ये भी ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना होती है। विट्ठल मंदिर के मुख्य देवता में विट्ठल महाराष्ट्र के पूजे जाने वाले विष्णु के रूप है, तो ठीक है। जो विट्ठल टेम्पल होता है विष्णु का ही रूप माना जाता है, जिसे विट्ठल टेम्पल कहते हैं, तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है। तो डी आंसर आपके हो जाएंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सत्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विजयनगर और ब्राह्मणी राज्य के बीच संघर्ष का मेन कारण क्या था, व्हाट वाज द मेन रीजन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विजयनगर एंड ब्राह्मणी किंगडम। विजयनगर और ब्राह्मणी किंगडम के बीच मेन युद्ध का कारण क्या था, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विजयनगर और ब्राह्मणी के बीच 15 का दो पॉइंट समझा दीजिए, कौन सा 15 बेटा, ये वाला सेकंड। अरे देवताओं से गहन संबंध संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूत्राना के उपयोग करते थे, हिंदू सूत्रांग धार कहते थे, मतलब अपने आप को देवताओं से रिलेट करते थे। विजयनगर जैसे देवराज थे, देवराय, तो देवताओं से रिलेट करते थे, अपना नाम जो रखते थे ना वो देवताओं के इक्विवेलेंट से करते थे, उसी को विरुद्ध कहते हैं। ठीक है बेटा, सुना, उसी को देवताओं का विरुद्ध कहते हैं, ठीक, कि उनसे उपाधि रखते थे, मतलब उनके इक्विवेलेंट रखने की कोशिश करते थे, जस्ट लाइक गॉड, मतलब जो अपना नाम होता था ना, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो जाए, किसी का जब नाम रखा जाता है, किसी का नाम रखा जाता है, तो देखा जाता है कि या तो किसी गॉड या किसी गॉडेस का, या तो किसी देवता किसी देवी का नाम हो, या किसी महान पुरुष का नाम हो, ठीक, इस तरह से रखे जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के नाम देखोगे रखते ना, जैसे कई लोगों के नाम रखते हैं राम कृष्ण, राम भी हो और कृष्ण, दोनों लोगों दोनों देवता को मिला करके राम कृष्ण नाम रख दिया जाता है। किसी का नाम रख दिया जाता है विजय, तो विजय का मतलब योद्धा विजेता हो। सबके नाम का मीनिंग कुछ अच्छा अच्छा रखा है, मतलब पॉजिटिव सेंस में रखा जाता है। किसी का नाम ये नहीं देखा होगा आपने रावण रखा जाए, हालांकि रावण का भी कैरेक्टर निगेटिव तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव माना जाता है, अच्छाई पे बुराई की जीत, रावण नहीं रखा जाता है। ठीक, विभीषण किसी का नाम नहीं रखा जाता है, किसी का नाम ऐसे नहीं, मंथरा नहीं रखा जाता है, सुड़पड़खा नाम नहीं रखा जाता है, इस तरह के नामकरण नहीं किए जाते। तो वो लोग भी, विजयनगर के राजा भी अपने आप को देवताओं के बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे, इक्विवेलेंट टू गॉड, ठीक है, तो इसलिए रखते थे, कोई ऐसा नाम नहीं रखा जाता। हाँ, जैसे विश्वजीत कुमार, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं विश्वजीत कुमार, बिल्कुल। तो किसी देवता, जैसे देवताओं के नाम के आगे, जैसे कई लोग रहते हैं अपना नाम, हाँ, इंद्रजीत लोग रखते हैं, इंद्रजीत नाम इसलिए रखते हैं कि इंद्र को ही जीत लिया उसने, हालांकि इंद्रजीत नाम इसीलिए रखते हैं। तो सबका कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा नाम पॉजिटिव में रखा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। विजयनगर और ब्राह्मणी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, रायचूर द्वाब, रायचूर द्वाब के बीच आपस में, विशेष तो रायचूर द्वाब की बात होती है, रायचूर द्वाब में आपस में लोग करते थे। ये क्या होता था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला क्षेत्र था, सबसे ज्यादा उत्पादन वाला। द्वाब का मतलब जहां दो नदियों का मिलन, मान लीजिए कोई मेन नदी होगी उसके अगल बगल की जो सपोर्टर नदी होती थी, यहाँ पर सरप्लस उत्पादन, मतलब अगल बगल की जो नदियां आकर के यहाँ पर मिलती थी
एक द्वाब का निर्माण करें, जैसे गंगा का द्वाब, जैसे यमुना का द्वाब, जैसे रचना द्वाब, जैसे बारी द्वाब, जैसे विष्ट द्वाब, ये सब द्वाब होते हैं नदियों का, जब प्लेन एरिया पड़ती है ज्योग्राफी में वहां पर मिल जाता है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर द्वाब आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुदरई चट्टी घोड़ों का व्यापारी था, नांगलपुर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, कृष्णदेव राय का संबंध तुलोभर से है। यहाँ पर आपको बताना है कुछ चीजों को, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ठीक, चलिए पढ़ाई में ध्यान दें, निक्की के पीछे ना रहे, निक्की अपने पढ़ने में ध्यान रखती है बेटा, ठीक है। चलिए बाकी पढ़ाई में ध्यान दें, किसी के ऊपर पर्सनल कोई कमेंट ना करें, ये अच्छा रहता है, ठीक, नहीं तो आपस में हंसी हंसी में शुरू करोगे। तो मामला हो जाएगा खराब, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं, किसी का नाम कर कुछ नहीं करना, सब अच्छे नाम है। देखो नॉट करेक्ट, इसे बताना नॉट करेक्ट। कुदरई चट्टी घोड़ों के व्यापारी कहलाते थे, कुदरई चट्टी वार ट्रेडर्स ऑफ हॉर्स, तो यस बिल्कुल, विजयनगर में कुदरई चट्टी जो होते थे घोड़ों का व्यापारी माना जाता था, तो कुदरई चट्टी को। नांगलपुर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, गलत बात, नांगलपुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किए थे, कृष्णदेव राय ने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, कृष्णदेव राय रिलेटेड टू तुलु डायनेस्टी, कृष्णदेव राय तुलु वंश के संबंधित थे, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। इसमें गलत पूछ रहा है कौन सा, तो दो आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपका ठीक हो जाएगा। तो तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय जी, ठीक। तो एक तीन इसमें सही है, दूसरा आपका गलत है। हरिहर द्वितीय ने, हरिहर सेकेंड इन्वेटेड एंड कलेक्टेड टैक्स, हरिहर ने आक्रमण किया और कर की उगाही, तो हरिहर ने कहां पर आक्रमण किया, कौन से सेक्टर पर, कौन से क्षेत्र पर अटैक किया था, तो कौन से क्षेत्र पर, बर्मा पर, श्रीलंका पर, बंगाल पर या सुवर्णभूमि पर। तो हरिहर ने श्रीलंका पर अटैक किया था और वहां से टैक्स की वसूली की थी श्रीलंका, तो 20 का आपका ए आंसर हो जाता, श्रीलंका पर अटैक करता और वहां से टैक्स की वसूली करता। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विद रेफरेंस टू विजयनगर एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले, कमालपुरम रिजर्वायर एंड हरिहरिया कैनाल आर रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, कमालपुरम जलाशय और हिरिया नहर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, ठीक। यही आपका जो हिरिया नहर है ना, हिरिया कैनाल, यही आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी 2023 में यही क्वेश्चन था, सिविल सर्विसेज 2023 में यही क्वेश्चन था आपका पूछा गया था, आईएएस 2023 में यही सवाल था जो आपके आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो होता है ना, आईएएस के एग्जाम में ये आपका सवाल था, आईएएस 2023 में सवाल था, ठीक, यही क्वेश्चन पूछा गया था हिरिया कैनाल को लेकर के, ठीक। हिरिया कैनाल कौन सा, तो विजयनगर एम्पायर में, तो ये आपका ठीक है, कमालपुरम ये आपका सत्य है, कोई दिक्कत वाली बात आपका है नहीं। अब्दुल रज्जाक वाज रिटन ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के किलेबंदी का विस्तृत विवरण लिखा है और डिटेल में विवरण लिखा विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। द रूलर हियर एम्फेसिस ऑफ फोर्टिफाइड द एग्रीकल्चर एरिया, यहाँ के शासकों ने कृषि क्षेत्र की किलेबंदी पर बल दिया, यहाँ के शासकों ने जो कृषि वाली भूमि था उसकी किलेबंदी पर बल दिया, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, एक दो और तीन, तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सत्य वचन हो जाएंगे, ठीक। तो समय हो गया, चलिए अब प्यारे बच्चों समय इजाजत नहीं दे रहा, ठीक, एक और क्वेश्चन देख लिया। विजयनगर की सहायता, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो विद्यारण्य ने, ठीक, विद्यारण्य ने दिया था, विजयनगर के श्रृंगेरी के विद्यारण्य थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना में सहायता और योगदान दिया था, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे, किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक, कोई भी डाउट हो किसी के मन में तो आप लोग पूछ लीजिए।
जाने से पहले सारे बच्चे बेहतरीन जानदार शानदार इन्फॉर्मेशन जान ले कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस का मतलब थियरी पे पढ़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ, उनके लिए कौन सा है तो गोल्डन हॉक बैच है और इसमें 70% डिस्काउंट चल रहा और फीस कितनी है 1499 लग दी गई। और इसमें कोड क्या यूज करोगे तो CDS70 कोड आपको यूज करना है, ठीक है। 1499 इसकी फीस हो गई है और क्योंकि इसमें प्रॉपर थियरी इसमें चलेगी और डिटेल में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा जो कि आपका 2023 CDS2 को टारगेट करते हुए बैच बना हुआ है, ठीक है। ये क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है, एक साल के लिए वैलिड होगा आपका कोर्स, तो CDS70 कोड आपको यूज करना। CDS OTA 2023 के लिए भी गोल्डन ऑफ बैच है, ₹1125 इसकी फीस है, CDS70 कोड यहाँ पर भी अप्लाई करना है। CAT 2 2023 को टारगेट करते हुए भी आपका गोल्डन ऑफ बैच है, ₹1125 की फीस है, CDS70 कोड आपको यहाँ पर भी क्या करना। इसके अलावा जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की प्रॉपर पढ़ना, मतलब ये 70% ऑफर केवल कब तक है तो ध्यान रखना, ये है 27-28 तो बीती चुका है, ये खत्म हो चुका है। अब आपके पास बचा 29 और 30, ये दो दिन बचा 29 और 30, ये दो दिन बचा है, इस दो दिन में आपका ऑफर रहेगा। इसके बाद आपकी फीस फिर से सेम हो जाएगी 60% वाला जो आपकी पहले थी, ठीक है। तो ये बेहतरीन जानकारी है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। एनडीए सेम है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसका आपका ऐसे ही चल रहा, ठीक, उसमें आपका सब कुछ सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इसमें आपको 60% ही मिलेगा एनडीए प्रक्रम बैच में, और डिफेंस 60 कोड आपको यूज करना है, 799 इसमें फीस है। इसके बाद नेवी SSR एयरफोर्स XY इसमें भी देखोगे सभी में 60% ऑफ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, उम्मीद करता हूँ इस क्लास से सभी का फायदा होगा। आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे एग्जाम्पल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल का टॉपिक मराठा।